Hello students of class 10th, now we move on to part number 7th of our chapter power sharing. तो हम लोगों ने पढ़ा था किस तरह से श्रीलंका और बेल्जियम में दो अलग अलग एग्जाम्पल पढ़े. बेल्जियम बिल्कुल परफेक्ट मॉडल था पावर शेयरिंग का, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए. वहीं दूसरी ओर श्रीलंका का मॉडल बिल्कुल तरह फेल रहा. उसने सिन्हालीज को ज़्यादा राइट दिए, तमिल्स को डिसरिगार्ड किया, सिविल वॉर हुई, हज़ारों लोग उसमें मारे गए. ये सब हमने बातें पढ़ी थी. तो हमने सीखा क्या कि नीड क्या है, पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्या है. नॉर्मल सी बात है, पहली पावर शेयरिंग की ज़रूरत है अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, लड़ाई झगड़ों को दूर रखना, दंगों को दूर रखना, सिविल वॉर को दूर रखना पावर शेयरिंग की पहली ज़रूरत है. अगर एक देश पावर शेयरिंग कर रहा है तो वहाँ पर रहने वाली पॉपुलेशन को, गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ये सब कुछ नहीं होगा, ये सब नहीं होगा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी. एक जगह की सरकारें बार बार गिरेंगी नहीं, है ना, सरकार स्टेबल रहेगी, सरकार ढंग से काम कर पाएगी. ठीक है, ये होगा. उस देश का डेवलपमेंट होगा बहुत अच्छे से, है ना. नॉर्मल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया पिछले पार्ट में कि श्रीलंका एक अंडर डेवलप्ड नेशन है, वहीं दूसरी ओर बेल्जियम एक डेवलप्ड कंट्री है. यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है वहाँ पर. श्रीलंका गरीब देशों में आता है, वहाँ पर कोई खास आपको डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि वो इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहा कि तमिल्स को राइट देने हैं कि सिन्हालीज को देने हैं, है ना. तमिल्स कभी स्ट्राइक्स वगैरह कर देते हैं, लॉकआउट्स हो जाते हैं, इकोनॉमिकली भी पिछड़ा हुआ राज्य है. तो कुछ खास उसको हाथ नहीं लग पाया डेवलपमेंट के मामले में. और सबसे देखिए, तीन पॉइंट तो हमारे ये हो गए बहुत इंपॉर्टेंट. और हम आगे बात करें तो फोर्थ पॉइंट में ये बात कर सकते हैं कि देखिए, जो डेमोक्रेसी है, हम इसको लिखते हैं स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. जो पावर शेयरिंग है वो स्पिरिट है डेमोक्रेसी. स्पिरिट मतलब कि आत्मा, है ना. अगर आप बात करते हैं डेमोक्रेसी की तो वहाँ पे जरूर पावर शेयरिंग का जिक्र होगा, है ना. क्योंकि डेमोक्रेसी सिखाता ही क्या है, पावर शेयरिंग ही तो सिखाता है. डेमोक्रेसी की जब आप बात करते हैं तो आप यही तो बात करते हैं कि सब जाति सब धर्मों का हम साथ देंगे, किसी को भी पिछड़ा हुआ नहीं मानेंगे, यही तो बात हम करते हैं. तो जो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी अगर है तो पावर शेयरिंग भी ज़रूर होगा. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो नीड्स दिखाते हैं पावर शेयरिंग की, है ना, ज़रूरत को समझाते हैं. तो आप इसको ज़रूर रफ कॉपी में लिखिए, है ना. हालांकि क्वेश्चन आंसर्स में भी ये कवर हो जाएगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग के कितने टाइप्स हो सकते हैं, या उन्हीं को बोल सकते हैं हम फॉर्म्स. तो पहला टाइप या पहली फॉर्म है पावर शेयरिंग की, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. या मैं आपको एक डिफरेंस करता हूँ पहली और सेकंड में, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. एक होगा हॉरिजॉन्टल और एक होगा वर्टिकल. पूरा नाम होगा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और यहाँ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. देखिए, अब ये डिफरेंस 3 मार्क्स का पिछली बार की बात है, बोर्ड के एग्जाम में आया है, राइट. उसने सारी फॉर्म्स नहीं पूछी, ये आपको टोटल मिला के 5 फॉर्म्स पढ़नी है पावर शेयरिंग की. उसने सारी फॉर्म्स तो नहीं पूछी, लेकिन जो पहले की 2 फॉर्म्स हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया था, है ना. इन दोनों में क्या पूछ लिया था, इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया था, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और वर्टिकल फॉर्म में. तो नॉर्मल सी बात है, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म है वो पावर शेयरिंग का वो फॉर्म है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर बांटी जाती है. नाउ व्हाट इज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, है ना. कौन कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव. एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं, है ना, नहीं तो ये बहुत प्रॉब्लम आएगी, आप लोगों को क्लियरली दिखेगा नहीं. पहले मैं हॉरिजॉन्टल पढ़ाता हूँ, फिर वर्टिकल पढ़ाएंगे, है ना. तो पहला है हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर हमें पढ़ना है. तो उसमें क्या होता है, पावर डिफरेंट
ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में बांटी जाती है, और गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन हैं, मैं आपको वही बता रहा था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तो आप क्लास 8 से पढ़ रहे हैं, है ना? ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या है? जो कानून बनाता है, लोकसभा, राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव क्या है? जो उसको अप्लाई करता है, जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स अलग अलग लेवल के, ये एग्जीक्यूटिव होते हैं जो उसको लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं। और जुडिशरी, जुडिशरी न्यायपालिका है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जो इन दोनों को बाइंड करके रखते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस में। देखिए, एक तो मेजर डिफरेंस क्या होगा जब आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल डिफरेंट ऑर्गन्स में बांटा गया, ऑर्गन्स के नाम लिखेंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और यहाँ पे एक और चीज़ लिखेंगे, यहाँ चेक एंड बैलेंस का काम चलता है। नाउ व्हाट डज दिस वर्ड चेक एंड बैलेंस मींस? चेक एंड बैलेंस मतलब ये तीनों एक दूसरे पर नज़र रखते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? ये तीनों एक दूसरे पर नज़र तो रखते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं है, ये ऑर्गन्स है। तो आगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसमें आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है, ये पॉइंट है। नाउ सेकंड आपका आएगा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ये तो हॉरिजॉन्टल था। सेकंड है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन ऑफ पावर, है ना, एक ही बात है। इसमें पावर बांटी जाती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। देखिए आप ढंग से समझिए, एक वर्ड से आंसर चेंज हो गया। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में पावर का डिवाइडेशन होता था डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। कितने लेवल होते हैं गवर्नमेंट के? कितने भी हो सकते हैं, वैसे तो हमारे देश में बात करें तीन है, सेंट्रल, स्टेट एंड दी लोकल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जरूर लगा ले सबके आगे, है ना, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। यहाँ कहीं भी चेक्स एंड बैलेंसेस का काम नहीं है, उल्टा क्या है, यहाँ पे एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के सुपीरियर है। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊंची है, स्टेट गवर्नमेंट सेकंड नंबर पे, और एंड थर्ड एंड लास्ट इज लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो जब पावर को हम डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में बांटते हैं तो वो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर होता है, एग्जांपल सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। जब हम पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में बांटते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, एग्जाम्पल लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। ये आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, डिफरेंस ही पूछा जाता है और इंडिविजुअली पूछा जा सकता है। टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में दो हमारे हो गए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तीन और बाकी हैं, आने वाले पार्ट में उसकी बात कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।